हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी कलकत्ता यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशंस 2021। फॉर्म फिलअप यहां पे आप सभी की जो है वो एक्सटेंड कर दिए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यहां पे वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान लेंगे, उनकी भी जो पीजी की एडमिशंस फॉर्म फिलअप है वो भी एक्सटेंड कर दिए हैं। और भी कई सारी इस वीडियो में आप सभी को जानने के लिए मिलेंगे कि आप सबकी जो आप सभी को जो फॉर्म फिलअप भरने में काफ़ी सारा दिक्कत हो रहा है तो कैसे आप सभी को वो भी करना है, वो भी इस वीडियो में मैं छोटा सा करके आपको मैं बता दूंगा। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए चैनल के लिए सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे कर लीजिए प्रेस। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, उनकी जो पीजी की एडमिशंस हैं वो एक्सटेंड कर यहाँ पे कर दिए हैं। 18 सितंबर तक रात 12 बजे तक जो है स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जो भी यहाँ पे आप सभी की करेक्शंस होगा या कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे रह गए हैं फॉर्म फिलअप के लिए, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की जो तरफ से यहाँ पे यूजी के एडमिशंस यहाँ पे एक्सटेंड की नोटिफिकेशंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एमए, एमएससी, एमकॉम, एम लाइब्रेरी जितने भी सारे जो कोर्सेज हैं यहाँ पे वो यहाँ पे 17 सितंबर तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी आसानी से जो है कोई भी प्रकार की अगर आपको फॉर्म फिलअप हैं, कोई करेक्शंस हैं, आप सभी की मार्कशीट जो आप पोर्शंस भरे थे वहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी सारे दिक्कत हो रही हैं, तो वो भी आप जल्द से जल्द जो है वो करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो 17 तारीख तक आप सभी को यहाँ पे टाइम जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोविजनल एडमिशन शेड्यूल है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की, वो भी यहाँ पे जो है अपडेट देखिए यहाँ पे कर दिए हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 17 सितंबर है, इसके बाद ड्राफ्टेड मेरिट लिस्ट यहाँ पे 20 सितंबर को आएंगी, करेक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं 20 से 23 सितंबर तक होंगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी के जो शेड्यूल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। अगर ये जो सिचुएशन के हिसाब से जो डेट और टाइम है वो चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन वाउचर में यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे स्क्रोल कीजिएगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो जब आप ये जब टेबल भर रहे हैं मार्कशीट की, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, चाहे आप सीयू के स्टूडेंट हों चाहे आप नॉन सीयू के स्टूडेंट हों। तो यहाँ पे मैं वो आप सभी के लिए मैं क्लैरिफाई मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको ऑनर्स पेपर आप सभी को जो है सबमिट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप पार्ट वाइज के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन ऑनर्स इन पार्ट। तो पार्ट वाइज जो पार्ट वाइज के स्टूडेंट हैं यानी ओल्ड सेमेस्टर्स जो हैं, ओल्ड सिलेबस के जो थे 1, 2 और 3 दोनों को ही मार्क्स ऐड करके आप सभी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ फुल मार्क्स और कितना आप सभी को मिला है वो परसेंटेज में जो है आपको लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का SGPA या CGPA है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपना यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कोड है यहाँ पे CC+DCE+SCE, ये सब यहाँ पे जो कोड है जो CBCS सिस्टम्स के अंदर आते हैं यानी सेमेस्टर वाइज के सिस्टम्स में आते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th सेमेस्टर तक, तो उनकी सब प्लस करके यहाँ पे जो है आप सभी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जनरल की पेपर में भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीका से ये जो टेबल में के कन्फ्यूजन्स थे आप सभी को, जो ये 2 दिन की और एक्स्ट्रा टाइम मिल चुके हैं मार्कशीट्स, तो ज़रूर आप अपना कुछ भी ऐसा गलती किए हैं तो करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देख सकते हैं कि बी जो टेबल है वो नॉन सीयू कैटेगरी के लिए हैं, तो नॉन सीयू के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मे बी देखिए आपके यूनिवर्सिटी में क्रेडिट जो मार्क्स है वो अलग होगा या आपकी जो SGP होगा या परसेंटेज वाइज में आते होंगे, तो यहाँ आपको जिस प्रकार से यहाँ पे बोले गए हैं वैसे ही आपको जो है यहाँ पे फॉर्म्स को फिल करना है। ये जो कॉलम्स को अच्छे से पढ़िए, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी हैं कि जो सब्जेक्ट्स कोड हैं वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए कि वहाँ सब्जेक्ट्स का नाम लिख दीजिए, उस बेसिस पे आप भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से सब कुछ जो है आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे नहीं तो कैसे आप इसे करेंगे, तो इस टेबल को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कोई भी यहाँ पे परेशानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पे इन केस ऑफ एनी डाउट कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क। आपको मैं हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं बता दिया था जब मैं ऑफिशियल वीडियो जब PG कोर्सेज के लिए मैं लाया था। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना मार्कशीट को भरना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट बैकअप और एमएससी पीजी के लिए यहाँ पे जो है जारी कर दिया, देखिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दे दिए गए हैं, कैंपस वाइज यहाँ पे कॉलेज नेम, यहाँ पे सीयू के मेन कैंपस में कितनी सीट्स हैं, उनकी जो कॉलेजेस हैं जैसे कि फिजिक्स की जो सब्जेक्ट्स है वो लेडी बर्मन, गुरुदास, विवेकानंद कॉलेज में अवेलेबल हैं, यहाँ पे कितनी टोटल सीट्स हैं, यूआर एससी एसटी ओबीसी के लिए कितनी यहाँ पे सीट्स हैं वो भी यहाँ पे जो है बता दिए गए हैं, चाहे आप सीयू के स्टूडेंट हो या नॉन सीयू के कैटेगरी हैं तो आप अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे सभी के लिए, यहाँ पे जो दें सभी सब्जेक्ट्स के लिए और कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, सीयू के मेन कैंपस में कितनी है, सभी को यहाँ पे जो है अच्छे से दे दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यही सारे इन्फॉर्मेशंस थे यूपीजी स्टूडेंट्स के लिए, आशा करता हूँ आप सभी को हेल्प कर पाया, कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।